Let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceive them poor. प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हम आपको लाइट ऑफ द नेशंस सुसमाचार ब्रॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। आइए हम पहला दुआ मांगे। प्यारे प्रभु, हम फिर से तेरी तारीफ और स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमको मदद कर, हमारे कान खोल दे, हमारे समझ को तू खोल दे, ताकि हम तेरा जो वचन है वो ग्रहण कर सके और उसके द्वारा प्रभु हम जी सके। और तू हमारे ऊपर, सुनने वाले सबके ऊपर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा उंधेल दे, ताकि हम इस दुनिया में तेरे लिए जयवंत जीवन जी सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। तो आज हमारा जो संदेश है वो पवित्र आत्मा के द्वारे में है। देखिए, यीशु मसीह इस दुनिया में लगभग 33 साल थे इस पृथ्वी पर, और 3-3.5 साल यीशु मसीह ने सेवा में बिताया, हमारे सेवा के लिए परमेश्वर का सेवा किया। परंतु जब उनका इस दुनिया से जाने का समय पास हो आया, तो उन्होंने अपने चेलों से बहुत ही सरल वचन से के द्वारा, सरल तरह उनको ये बात सुनाया। वो हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसकी 13 अध्याय और 33 आयत है। बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसे मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। यीशु मसीह जब तक ये दुनिया में था, चेले साथ में थे, जब यीशु ने अपना जो सेवा, अपने जो खिदमत में प्रवेश किया और ये चेलों को बुला लिया, ये चेले हमेशा रात दिन यीशु मसीह के साथ थे, और जो भी उनको कठिनाइयां उनको उनके सामने आए, उसमें सब प्रभु ने उनको मदद किया, और वो सबको एक एक को ऊपर वो जयवंत जय पाकर वो आगे जा रहे थे। तो जब ये चेलों ने सुना कि यीशु उनको छोड़ के जाने वाला है, तो वो एकदम घबरा गए, वो डर गए। और हम देखते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वीं अध्याय और 1-3 तक ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु ने उनसे वादा किया, तुम लोग डरो मत, अगर जब मैं जाऊंगा तो मेरे पिता के घर में वहां पे बहुत से भवन है, आके वापस आके तुम लोग सबको भी मेरे साथ लेके जाएंगे, अकेला नहीं हम तुमको छोड़ेंगे। और यही अध्याय में हम देखते हैं, ये 14 अध्याय के 16 से लेकर 18 पहले, और उसके बाद 26 भी 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ
रहता है और वह तुम में रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। देखो, यीशु मसीह ने वादा किया चेलों से कि मैं जब मैं जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा, सहायक एक दूसरा नाम है पवित्र आत्मा के लिए, मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, तुम्हारे लिए भेजूंगा और मैं तुमको अनाथ जैसा नहीं छोड़ के जाऊंगा। जो कुछ तैयारी मुझको करना है वो सब हम करके ही जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो 26 आयत, यही अध्याय में हम 26 देखते हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो ये सब पवित्र आत्मा का जो खास जो इनका सेवा है, जो खास उनका जो मिनिस्ट्री है, कि जो कि जो कुछ परमेश्वर ने यीशु ने बताया वो स्मरण में लाएगा और वो सब बातें सिखाएगा और उसका साथ हमारे साथ होएगा और हम अकेलापन नहीं हम कभी महसूस करेंगे। ये सब पवित्र आत्मा का जो खास तौर का जो सेवा है। यीशु ने कहा तुम डरो मत, हम जाएंगे तो हम पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजेंगे। फिर हम देखते हैं 15 अध्याय के 26 आयत में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का गवाही देने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं 16 अध्याय में 7, 13 और 14 सातवीं आयत में हम देखते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। फिर 13 और 14, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा जो है वो भगवान है, जैसा पिता परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, वो भगवान है और वो भी सब कुछ जानता है, जो कल हुआ था, जो अभी आज हो रहा है और जो कल आने वाला है। तो भविष्य के जो भी बातें हैं वो पवित्र आत्मा हमको पहले ही बता देता है और हमको सब कुछ खुलम खुला हमको दिखा देता है। तो हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से ये सब बातें बताया। उसके बाद जब यीशु मसीह हम अब आएंगे लूका की सुसमाचार, उसकी 26 लूका की सुसमाचार उसकी 26 से 26 अध्याय में आएंगे और हम 24 अध्याय में हम देखेंगे 45 से लेकर 49 तक, 45 से लेकर 49 तक, 26 अध्याय के 45 से लेकर 39 तक हम देखेंगे, 49 तक। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोला दी और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरा दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के ग्रहण गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है तो उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, प्रभु ने बोला देखो तुमको मालूम है कि ग्रंथ बोलता है, पवित्र शास्त्र बोलता है कि जो मसीह है वो दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। फिर तुम जाओ यरूशलेम में और जब तक जो
प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने जो हमने तुमको तुमसे वादा किया है वो जब तक तुम ना पाओ, वो सामर्थ जब तक तुम ना पाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब तक तुम ना पाओ, तब तक तुम उधर ही बैठे रहो। इसके द्वारा जैसा परमेश्वर ने बताया था तो हम देखते हैं कि क्या हो गया। ये जो थे ये 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 प्रेरितों ये सब 120 जन ये कहाँ गए, ये यरूशलेम के नगर में जो वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होके हम देखते हैं प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पांच और चौदह आयत। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जाते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो पानी में बपतिस्मा लेना वो जरूरी है, पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्नान हमको बपतिस्मा मिलता है वो परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आ जाता, उसका शक्ति हमारे ऊपर आ जाता है, वो हमको गवाह बनने के लिए और उसके लिए सेवा करने के लिए वो ताकत वो सामर्थ हमको मदद करता है। उसके बाद हम देखेंगे चौदह आयत लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरिया और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे। जैसे प्रभु ने बोला वो सब मिलकर, वहां पे यीशु का माँ मरिया वो भी थी, वो सब मिलकर वो प्रार्थना करने लगे और वो ठहरने लगे कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेले जाए। और इसके अनुसार हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय और उसका एक से लेकर दूसरा अध्याय और उसका एक से लेकर आठ तक हम पढ़ेंगे। जब पेंटिकॉस का दिन आया था तो ये लोग सब एकदम इकट्ठा हो गए और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे तो एकदम से बहुत एक हवा आया, वो पवित्र आत्मा का जो वो चिन्ह है हवा आया और वो सारा जगह जो है वो एकदम हिल गया और सारे जन के ऊपर वो अग्नि का जो जीभ है वो बैठ गया। उसका वो एक चिन्ह था कि ये लोग सब दूसरे दूसरे भाषा में बात करने लगे, जो भाषा इनको नहीं मालूम था, जो भाषा इनका नहीं था वो परमेश्वर का दान है। आप पढ़िएगा, टाइम लेके आप पढ़िएगा, मेरे को सब कुछ बताने के लिए टाइम नहीं है, परंतु आप प्रेरितों का काम उसकी दूसरी अध्याय एक से आठ तक का पढ़िएगा। वो वहां पे फिर देखते हैं कि वो सब लोग जो थे, जो बहुत से लोग यहूदियां वो बहुत दूर दूर देश से आए थे, जब देखा कि ये गलील के आदमी है, अरे ये सब हमारे भाषा कैसे ये बोल रहे हैं, इन्होंने ये सब कहां से सीखा, तो कोई बोलने लगे ये ना ये सब शराब पी के ये एकदम इनका दिमाग है वो एकदम खराब हो गया और ये जो ना अपना ये अपना अभी नॉर्मल नहीं है, ऐसा करके बोलने लगे। तब क्या हुआ, तो एकदम से पत्रस उठ गया और पत्रस के साथ बाकी जितने भी 11 जो प्रेरित थे वो सब उनके साथ उठ गए और पत्रस ने उनको एक संदेश दिया, यानी सच बात उनके सामने खोल के बताया। क्या बताया? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों के पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। देखिए ये किसने बोला था, योएल नबी ने, वो कई साल पहले वो नबूवत दिया था कि अंतिम में जब आखिर के दिन आ जाएंगे तब परमेश्वर सब जड़ के ऊपर अपना पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। तो इसका पूर्ति वो पेंटिकॉस्ट के दिन में हुआ, पूरा नहीं, अभी भी परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता ही रह रहा है, परंतु उसके पहले पवित्र आत्मा सबके ऊपर एक जैसा नहीं आता था। कोई जैसा एलिया नबी था उनके ऊपर था, एलिशा नबी था उनके ऊपर था, शिमशोन था उनके ऊपर था, थोड़ी देर के लिए आता फिर चला जाता, ऐसा
परंतु यहां पे हम देखते हैं कि हमेशा उनके साथ हमारे साथ रहने के लिए ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के रोज में वो उंडेला जैसा उन्होंने चेलों से बताया और वादा किया था. प्रेज द लॉर्ड. उसके बाद पत्रस ने एक 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 संदेश दिया, एक प्रचार दिया. और जब प्रचार उन्होंने सुना तो उसमें क्या था, बोले जब लोग जब तब जब सबने सुना, अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी. सब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शोष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. अब ये आप ख्याल कीजिए 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा. यह पवित्र आत्मा का दान सबके लिए, जो कोई परमेश्वर के पास आएगा, चाहे बूढ़े होए चाहे जवान होए, चाहे लड़की लड़का औरत आदमी, सबके लिए प्रभु ने ये दान तैयार करके रखा है ताकि हम जीवंत जीवन बिता सके. पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देगा. प्रभु के नाम की तारीफ हो. देखिए, सामर्थ्य पाएंगे प्रभु की आत्मा के द्वारा आत्मिक चीजें परखने के लिए. हमको प्रभु की आत्मा मदद करता है, हैं? सामर्थ्य पा सकते हैं हम प्रभु के आत्मा के द्वारा. पवित्र आत्मा किस लिए चाहिए? पवित्र आत्मा किसके लिए? सबके लिए है. पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं? हम जब यीशु मसीह से मांगेंगे, यीशु मसीह से जब हम मांगेंगे तब हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है. हम देखते हैं कि लुका की सुसमाचार उसकी 11 अध्याय 9 से लेकर 13 तक. और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा. तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगेगा तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगेगा तो उसके बदले सांप दे, या अंडा मांगेगा तो उसे बिच्छू दे? अथा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों का को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हम कैसा पवित्र आत्मा पा सकते हैं? हम परमेश्वर से पूछे, हम यीशु मसीह से मांगे, प्रभु मेरे को आपका पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है, मुझे मेरे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा आप उंडेल दे. तेरे पवित्र आत्मा के सिवा हम इस दुनिया में जीवन मसीह जीवन नहीं बिता सकते हैं, मेरे को अपनी आत्मा का शक्ति एकदम चाहिए. परमेश्वर के नाम की जय हो. हम बुरे होकर अच्छी वस्तु देते हैं ना, अपने प्रभु कहता तुम अपने बच्चों को ठीक अच्छी चीज देते हो, तुम सांप नहीं देते हो, बिच्छू नहीं देते हो, ये सब चीज नहीं देते. तो परमेश्वर जो अच्छा पिता है, जब उनसे हम मांगेंगे तो वह ना देंगे क्या? हमको मालूम है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा ही हुआ. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर हमेशा, यीशु मसीह के ऊपर हमेशा पवित्र आत्मा था. हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा उनके ऊपर पवित्र आत्मा था. और बहुत से लोग जिन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े सेवा किए, हलीम सेवा कोई भी बात नहीं, हम करने के लिए पवित्र आत्मा बहुत ही हमारे जीवन में हमारी जिंदगी में जरूरी है.
हम देखते हैं कि पौलोस प्रेरित वो एक बार कहाँ गया था, वो इफिसस गया था। उसकी 19 अध्याय प्रेरितों का काम 19 अध्याय पे में हम देखेंगे 1 से लेकर 6 तक। जब अपोलोस कुरिंथियस में था तो पौलोस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसस में आया। वहां कुछ चेले को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। देखिए एफेसस में जब पौलुस गया तो वहां पे वो चेले थे, हाँ, यीशु में विश्वास करने ईसाई थे। तो उनसे पूछा, क्या तुम लोग ने बपतिस्मा पवित्र आत्मा पाया है? तो बोला, मुझे ये भी मालूम भी, हमने सुना भी नहीं है। बोला, फिर तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? बोले, अरे हमने योहन्ना का जो बपतिस्मा था वो लिया। तो फिर उसके बाद बोला, ठीक है, परंतु वचन बोलता है कि योहन्ना जो है वो पानी का बपतिस्मा देता है, यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। और पौलुस प्रेरित में इतना प्रभु का इतना शक्ति था कि और इतना अभिषेक था कि वो जब उसने उनके ऊपर हाथ रख दिया तो एकदम वो भी पवित्र आत्मा वो भी पाए। देखिए पवित्र आत्मा हमको आज के दिन में बहुत ही जरूरत है, उसकी बहुत ही जरूरत है। क्यों? पवित्र आत्मा हमको जीवन जीवन जीने के लिए मदद करता है, परमेश्वर की सेवा करने में हमको मदद करता है, उसकी गवाह बनने के लिए हमको मदद करता है। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसकी आठवीं आयत में ऐसा लिखा है कि जब ऊपर का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आएगा, यानी परमेश्वर की आत्मा जब तेरे ऊपर आएगा तब तुम हमारे गवाह बनोगे। कहाँ पे? यरूशलेम में तुम गवाह बनोगे पहले, उसके बाद तुम यहूदिया में तुम गवाह बनोगे, उसके बाद तुम शामरिया में तुम गवाह बनोगे, उसके बाद तुम पृथ्वी के सब कोने में भी हमारा गवाह तुम बन जाओगे, गवाह बनोगे। हाँ जी, जब हम परमेश्वर की आत्मा पाते हैं पहले हम अपने घर में गवाह बनते हैं, हमारा जीवन पवित्र आत्मा बदल देता, हमारे अंदर आके जो गंदी बात है, जो पाप के स्वभाव है, वो सबको पवित्र आत्मा ही से निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता है। हम जितना भी हम अपने सोच ले कि देखो आज से हम अच्छा जीवन बिताएंगे, हम सब सोचते हैं, हम भी सोचते थे, परंतु हम कितना भी फैसला कर ले, जब टाइम आता है ना, जब समय आता है, तो हम एकदम वो सब भूल जाते हैं और अपनी गंदी आदत फिर वापस करते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा आ जाता है, हमारा जीवन को वो एकदम बदल देता है और हमको अपनी जो गंदी आदतें के ऊपर वो हमको कंट्रोल देता है, ताकि हम नहीं कंट्रोल कर सकते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कंट्रोल कर देता है। और जब लोग हम तो देखते हैं, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे बदल गई हो, अब तुम वो पुराने जन नहीं हो, तेरी आदतें सब बदल गए, तू अब झूठ नहीं बोलते, तुम अभी झगड़ा नहीं करते, तो चुगली नहीं करती। हाँ, पवित्र आत्मा जब अंदर आ जाता है ना, हमारे अंदर, आपके अंदर, ये सब बातें परमेश्वर का पवित्र आत्मा निकाल देता है और परमेश्वर के जैसा हमारा स्वभाव दिन पर दिन बनाने लगता है। हमको परमेश्वर की आत्मा की बहुत ही जरूरी है। कभी हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? अगर हम बोले हम मसीह में विश्वास करते हैं तो लोग सोचेंगे आप पागल है, कौन आजकल परमेश्वर में कौन विश्वास करता है। परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हम परमेश्वर हमको उसका गवाह बना देता है, हम डरते नहीं है, सच्चाई को हम बहुत ही
अच्छी तरह दूसरे से बोलने के लिए हमको परमेश्वर की आत्मा धीरज देता है, हम डरपोक नहीं रहते। उसके बाद हमारा जो डर है ना, वो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा निकाल देता है। हम बेडर सबको बताते, आप भी यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आपको अगर साफ जिंदगी बिताना है तो पवित्र आत्मा आप भी पाए, तो यीशु मसीह को आप स्वीकार कर ले। ऐसे बातों कहने के लिए हमें कोई डर नहीं है, हम अपना जीवन भी देने के लिए हम डरते नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल ईसाई को कितने देश में वो लोग पीड़ित करते हैं। क्यों वो नहीं डरते हैं? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु मसीह का जो आत्मा है वो सच्चा आत्मा है, यीशु मसीह का जो वचन है वो सच्चा है, यीशु मसीह के सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। वो ये सब सच्चाई को उन्होंने ग्रहण किया, स्वीकार किया, और उसके लिए वो खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। परमेश्वर की बड़ी नाम की तारीफ हो। शैतान के ऊपर पवित्र आत्मा हमको जय देता है। आपको मालूम है यीशु मसीह को शैतान ने परखा था तीनों बार पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंदर था, यीशु के अंदर था, और जय पाए। आपको भी जय चाहिए, आपको भी ये पवित्र आत्मा की बहुत ही आवश्यकता है। आइए हम दुआ करेंगे। जैसा हमने सुना, जब हम यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे, वो जरूर अपना पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर, सुनने वाले सबके ऊपर उंडेल देगा। प्यारे प्रभु, हम तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं और हम बोलते हैं प्रभु, हम मानते हैं प्रभु कि हमको पाप के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। हम आपसे मांगते हैं कि आप हमको छुटकारा दे दे। तेरे नाम में हम विश्वास करते हैं, हमारे दिल में आ जाओ, हमारे जीवन में आ जाओ प्रभु, और अपनी पाक रूह, अपनी पवित्र आत्मा हम समों के ऊपर उंडेल दे, ताकि हम जयवंत ईसाई जीवन बीत सके, ताकि हम तेरे गवाह बन सके, ताकि हम तेरा सेवा कर सके, और सब चीज में तेरे ही नाम को महिमा हो। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अगर आपने अनुग्रह पाया है और आपका कोई भी प्रार्थना के लिए कोई भी विषय है, आप जरूर हमको लिखिएगा, आप जरूर हमको बुलाइएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपको और भी वचन सुनाएंगे, जो भी आपकी मदद जरूरत हो उसके द्वारा हम आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारा नंबर 6268186494, हमारा एड्रेस P.O. Box 40394, Pasadena, California 91114. प्रभु सबको आशीष दे, आमेन।